बागेश्वर जिले में टैक्सी एसोसिएशन के बैनर तले जिले के टैक्सी चालक हड़ताल पर रहे। एसोसिएशन से जुड़े चालकों ने बैंक तिराहे पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चालकों ने कहा कि जब तक सरकार स्पीड गवर्नर लगाने का अध्यादेश वापस नहीं लेती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हड़ताल का असर साफ देखा गया। जिले के गरुण, कपकोट और कांडा जाने वाले परेशानी का सामना करना पड़ा। यूनियन के हड़ताल को लेकर चालकों ने कहा कि सरकार लगातार चालकों की उपेक्षा कर रही है। पहले ही डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, ऐसे में स्पीड के गवर्नर लगाने के आदेश से वाहन स्वामियों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। हमारी सारी गाड़ियां खाली है, स्टैंड खाली पड़ा है हमारा, और सरकार ने हमारे ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस हमारा 7,000 में होता था आज हम 32,000 दे रहे हैं, और जो गाड़ी की फिटनेस हमारी 700 रुपये में होती है आज हम 2,500 रुपये दे रहे हैं उसका, और जो गाड़ी का हमारा क्वार्टरली 3 महीने का 700 रुपया वो पड़ता था टैक्स, वो आज हमारा 4,200 रुपया पड़ रहा है। इन्होंने स्पीड गवर्नर की जो बात कर रखी है, वैसे भी पहाड़ में तो हम तो कह रहे हैं जिस बेचारे ने भी ये सोचा, जिसने ये चीज कही, वो यहाँ पे 80 की स्पीड से क्या ये 60 की स्पीड से यहाँ पे गाड़ी चला के देखे। सरकार के यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जो है स्पीड गवर्नर का अपना जो है वापस ले अपना इंश्योरेंस और सीट बेल्ट और इंश्योरेंस, इससे बहुत गाड़ी वाले के ऊपर लोड पड़ रहा है। सरकार जल्दी से जल्दी इसका ये पूरा असर है, पूरा बिजनेस खत्म है, व्यवसाय खत्म है, गाड़ी वालों का काम खत्म है, बहुत ही जो है घाटे में चल रहे हैं, जनता परेशान है, और जो है चार धाम अभी हमारी चल रही है, चार धाम में भी इससे बहुत फर्क पड़ रहा है।